एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, टाइम ना बताती हूँ। मैं इन घड़ियों से तो वैसे ही परेशान हो गई, टाइम नहीं शो हो रहा यार अभी। चलो मैं आपको बाद में बता दूँगी। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है 9:30 का, क्योंकि इनमें 9 बज रहे हैं, तो 9:30 या 9:45 का टाइम हो रहा होगा। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बस पानी में निकाल के सुखाना रह रहा है। तो पानी चला कर आई हूँ मैं, ताकि साफ़ पानी भरे, फिर उनमें से फटाफट कपड़े निकाल के सुखा देती हूँ, फिर छत पे डाल के आते हैं कपड़े। तो कपड़ों का मेरा काम फिनिश हो चुका है, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। बस रोटी बनानी है, जिसके लिए मैंने आटा भी मांड के रखा हुआ है। और अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है। हाँ, वीडियो मैंने अभी तक एडिट नहीं करी है। और आज पुन्मासी है और नहान भी है आज, जैसा कि कह रहे हैं आज नहान है। 19 तारीख है ना आज? हाँ, तो 19 तारीख का नहान है। तो सब हो गया है, तैयारी शैयारी जो भी मतलब करनी होती है काम से रिलेटेड, वो मैंने कर लिया है। और आज मैं उठी थी सुबह 5:20 पे, और हेयर वॉश मैंने कर लिया है, पर अभी कॉम नहीं किया है। फेस पे भी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ एक फ्रूट क्रीम लगाई है, क्योंकि फेस ना सर्दियों में ड्राई ड्राई हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी फ्रूट क्रीम लगाई है, बाकी कुछ नहीं लगाया है। सब कुछ ऐसे के ऐसे ही है, कुछ नहीं लगाया। मैंने सोचा पहले काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद आराम से करेंगे ये सारा काम। और ये अभी तक मैंने नहीं समेटा यार, बहुत आलका सारा है इनको देख देख के, बहुत ज़्यादा। तो ये भी मुझे रखने हैं, ये मुझे मम्मी ने दिया है अभी नया सूट, बैग में से मैंने निकाल के बाहर रखे हैं। मैंने आधे तो आपको पहले दिखा दिए थे कि मैंने क्या क्या लिया है, कुछ मैंने नहीं दिखाए थे, वो मैं आपको दिखा दूँगी एक दो दिन में, या फिर जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है, मतलब कि, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है ना। तो चलो, मैं पानी हो गया होगा, उसको निकालते हैं कपड़ों को, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा ये समझने को मिलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा काम अच्छा कर रही हूँ। अगर कोई कमी है तो आप सजेशन देते हैं, तो उससे मुझे इम्प्रूव करने में मदद मिलती है अपनी वीडियोज़ में, कि हाँ, मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब कुछ करना, तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। बार बार नहीं बोलूँगी ये बात, यानी कहेंगे कमेंट्स में कि एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं व्लॉग में, तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो हे गाइस, यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, मतलब रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो जिसके लिए मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। और बैंगन का ना मैं भून के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भून के ना ऐसा लगता है कि उसके अंदर ना कुछ कीड़ा हो, क्योंकि बैंगनों में कीड़े निकल जाते हैं मोस्टली। तो मैं पहले क्या करती हूँ, उनको छील लेती हूँ और उनको कट करके देख लेती हूँ कि उसके अंदर कोई कीड़ा है या नहीं है। मैं कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं कई बार आपके साथ इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कौन कौन इस तरीके से बनाता है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हम ही थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, पर नहीं, हमारे जैसे और भी लोग होते हैं जो इसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी ये तरीका कहीं से सीखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि ऐसे ही करते होंगे कई लोग भी। तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। वैसे किस किस के साथ ऐसा होता है, सर्दियों में यार दिन इतने छोटे लगने लगते हैं कि सुबह का काम करके निपटो तो दोपहर का काम, दोपहर का काम करके निपटो तो शाम का काम, इतना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और गर्मी में सुबह का काम करके एक तो होता था रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम तो मिलता था, कुछ अपना पर्सनल काम तो कर लेते थे, पर अब तो बस घर के ही कामों में पूरा दिन निकल जाता है। सुबह का ख़त्म करो दोपहर का, दोपहर का ख़त्म करो शाम का। तो किस किस के साथ सर्दियों में ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। पता नहीं दिन छोटे कैसे हो जाते हैं। गाइज़, वेलकम बैक। और सुबह से मैं अब आपसे मिल रही हूँ, शाम के 4:15 का टाइम हो रहा है। घड़ी ना होने का एक नुकसान ये है, मतलब घड़ी तो दो दो है, पर दोनों ही समझ नहीं आ रहा। सेल भी डाल लिए, सही करते हैं,
कभी तो अपने आप सही चलने लगती है, कभी कुछ गड़बड़, पता नहीं ऐसे ही पहले भी हुआ था इन्हीं घड़ियों में, और फिर अपने आप अचानक से ये ठीक हो गई थी। तो समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं पता। मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता, तो जिसके लिए मैंने बैंगन को ना छील के इस तरीके से कट कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं वैसे भून के नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट भून लूँ ना बिना छीले हुए तो फिर मन में वहम रह जाता है कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं रह गया है, तो इस वजह से इस तरीके से कर लेती हूँ। और फिर कुकर में इसको मैं एक स्टीम कर लूँगी, पानी में नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और इनको डाल दूँगी वॉश करके, और एक सीटी लगा दूँगी, और तब तक मैं चॉपिंग का काम कर लूँगी। और फिर तड़का लगाएंगे कढ़ाई में, और एक तरफ रोटी बना लेंगे। दूध मैंने बॉईल कर लिया है, आटा मैंने फांड के रख दिया है, जो मैं चाय बना रही थी ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठ गया सो के, सोई भी नहीं यार, पता नहीं अजीब सा ही मौसम मतलब हो गया है ना, नींद लेट हो और ना शरीर एकदम टूटा टूटा सा हो जाता है, पता नहीं जैसे पता नहीं कितने तबीयत ख़राब और शरीर में ना बिल्कुल जानना हो इस तरीके से टूटा टूटा सा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी चाय रखी, झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद आटा मांडा, ये सब काम किया, और अब ये करने लगी हूँ, फिर इसके बाद बर्तन वॉश करेंगे। तो मैं चलो करती हूँ, कैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले बैंगनों को छील लेती हूँ, तो वो सारा काम तो मेरा हो चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है कुकर को, कुकर में सिर्फ मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डालने के बाद तेल को हल्का सा गर्म किया है, और उसमें मैंने डाल दिया है ये बैंगनों को, तो बैंगन मैंने इसमें डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। कुछ नहीं डालना है इसके अलावा, आप चाहें तो यहाँ पे एक टमाटर डाल सकते हैं बेशक, चाहे वो आपकी इच्छा है, पर मैं नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। और इसको डालने के बाद अच्छे से इसको ऑयल के साथ चला देंगे, मैंने चमचा नहीं लिया, मैंने ऐसे ही उठा के इसको चला दिया। आप चमचे का इस्तेमाल कीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा, यहीं तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है कुकिंग करते वक्त। तो इसमें सिर्फ एक स्टीम आ गई थी, मतलब सीटी आने वाली थी, तो बस जैसे ही सीटी आने वाली थी मैंने गैस को ऑफ कर दिया और उसकी स्टीम को निकाल दिया और ढक्कन को खोल दिया, और उसके बाद चमचे की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मतलब बिल्कुल इसका भरता बना दूँगी, क्योंकि इसका नाम ही है बैंगन का भरता। तो अच्छे से इसको मतलब मैश कर देंगे, और उसके बाद हम इसी गैस पर रख देते हैं कढ़ाई को, और कढ़ाई इसको हटा दिया, अब रख देते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, तो जब यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के साथ ही साथ हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और उसके बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्च चॉप करके रखी है और अदरक लहसुन का पेस्ट किया है वो सब हम इसमें डाल देंगे, और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हम भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हींग भी डाल दी है, और जब हमारा प्याज लहसुन अदरक का ये जो पेस्ट है, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है, अच्छे से ये भी भून जाएगा। और जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है, और उसके साथ ही हम इसमें सूखे मसाले जो हम नॉर्मली डालते हैं सब्जियों में वही डालेंगे। तो बस मैं यहाँ पे डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक, सिर्फ ये चार, कोई गरम मसाला नहीं डाला है, कोई कसूरी मेथी नहीं डाली है, सिर्फ ये चार मसाले डाले हैं और डालूंगी मतलब। और यकीन मानिए सब्जी बहुत ही ज़्यादा सिंपल से मसालों से भी, घर के जो हम सिंपल डेली खाते हैं उससे भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। बस मसालों ये डालने का और उसको भूनने में थोड़ा सा अगर हम टाइम लगाए ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे मैंने हल्दी वगैरह जो भी मसाले आपको बोले थे वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं, और मैंने इसमें डाल दिया फिर टमाटर और हरी मिर्च को, और तब तक भूनूंगी जब तक टमाटर इसमें गल ना जाए। टमाटर और मसालों को भूनने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और इसको तब तक भूना है जब तक इसमें से ऑयल अलग ना होने लगे। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में रेसिपी बताते वक्त बोलती हूँ कि मसालों को बहुत अच्छे से भून लीजिएगा तो आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल अलग हो चुका है। तो बस अब मैंने जो यहाँ पे बैंगन का जो मैश करके भरता सा बना के रखा था ना कुकर में, वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी। गैस फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे हम, और इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मैं इसी पर बिल्कुल स्लो में अच्छे से पकने दूंगी, और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनता है बैंगन का भरता, कौन इस तरीके से बनाता है, किसको मेरी रेसिपी है अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि हम ये 19 तारीख की क्लिपिंग है और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2-3 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को। तो सब्जी ऑलमोस्ट छक चुकी है, मतलब अभी से 5-10 मिनट में बिल्कुल गैस को स्लो रखूंगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी। तेल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा हो गया है पर कोई नहीं, चलो। और तब तक मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। अभी डीजे बज रहे थे बाहर, तो इसलिए मैं वीडियो में ना वॉइस नहीं डाल रही थी। अभी बंद हुआ है बाहर गाना, क्योंकि जैसे बारात वगैरह चढ़ती है ना यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे जाती है तो यहीं बहुत प्रॉपर साउंड आता है, तो इस वजह से नहीं कर पाती कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड। अभी कहीं कुछ चल रहा है, मशीन की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलो चलते हैं, कर लेते हैं बर्तनों का काम भी। जी ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है, तो बस मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस फ्लेम को और बस सब्जी बन गई है। आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके बताने में, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई होप नई आशा नई मगर नई जर्नी के साथ। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।